हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज फिर हम नए वीडियो के साथ में आए हैं और इस वीडियो में हम थोड़ा और चेंजेस करेंगे गाड़ी में और नए अपडेट के साथ आए हैं। आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने ब्रेक्स और जो गियर के जो सेटअप नया किया था। अगर नहीं देखा है तो मैं उसको आई बटन में लिंक डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा जाके। और अभी हम क्या करने वाले हैं कि गाड़ी में जो सीट है ना, गाड़ी की जो सीट अभी हमने पीछे की लगा रखी, जो ये सीट को गाइज हम थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब चेंज के नहीं बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वाली ठीक नहीं लग रही हमको। तो एक ये चीज़ें और ये इंडिकेटर जो हमने ये फ्रंट के तो लगे हुए हैं, और ये पीछे के ना ये हमको लगाना है, अभी सेटअप करना है। तो इसका भी नया ठीक बनाएंगे हम, वो फिक्स करना है और ये सीट हमको नई बनाना है। तो सचिन ड्राइंग सीट लेके बैठा हुआ है, तो ये ड्राइंग सीट जो है ना, इस पर हम सचिन और हम दोनों बनाएंगे इस सीट को कि किस तरह से हमको बनाना है। पहले ड्राइंग सीट पर बनाएंगे, उसके बाद हमारे पास जो चद्दर है ना यहाँ पे रखी हुई, हम पहले लेके आए थे, हम जब वो बॉक्स बनाना था हमको बैटरी के लिए, तो एक चद्दर लेके आए थे हम लो मेटल सीट का। तो इसको हम पहले ड्राइंग सीट बना लेते हैं, फिर ड्राइंग सीट पर बनाकर फिर वहाँ पर रखे हम काट लेंगे उसको। तो पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों इस पर सीट बनाने वाले हैं, सचिन और हम दोनों, तो देखते हैं कौन बेटर बनाता है। जिसकी बेटर रही, जिसकी अच्छी रही ना सीट, तो हम वो सीट को हम गाड़ी में लगाएंगे और उसको सेट करेंगे गाइस। तो हम चालू करते हैं पहले बनाना। हम बैठ चुके हैं, हमारा सेटअप पूरा लगा के। हमको करना क्या है कि जैसे हमारे पास एक सीट का ये थोड़ा है कि हमको इसके जैसी बनानी है, तो हम इसको देखते देखते दोनों बनाएंगे। सचिन उधर बनाएगा, मैं इधर बनाऊंगा, तो हम दोनों बनाएंगे, देखते हैं किसका बेटर बनता है, उसकी सीट हम गाइस काटेंगे। तो चलिए शुरू कर। We're
the mountain sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. सीट वगैरह बनाई थी, ड्राइंग शीट पे हम जो बना रहे थे तो उससे हमने उसको मेटल शीट पे लगा के काट लिया और ये कुछ इस तरह से लग रही है गाइस। ये आप देख सकते हो थोड़ा सा हमने बेंड करा है पीछे से और देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो हमको बेस्ट लग रही है, उस पर बैठ के देखा भी हमने तो बहुत बढ़िया लग रही है। तो इस तरह से कुछ लग रही है गाइस, लुक भी सही आएगा गाड़ी में जो उसको हम कम्प्लीटली फिट कर देंगे तो। और यहाँ पर सब हमारा जो था हमने सब पूरा निकाल दिया है, हमने सीट के लिए लॉक लगाया हुआ था और जो भी मतलब सीट के लिए पूरा लास्ट पुराने वाली सीट के लिए जो हमने सेट किया हुआ था सारी चीज़ें रिमूव कर दी है। इंडिकेटर के लिए वो थे वो काट दिए हमने, जिसको हम प्रॉपर कर देंगे पहले, फिर इंडिकेटर पर हम कहाँ सेट करेंगे कैसे नहीं वो भी सेट करेंगे यहाँ पर। तो चलो गाइस कंटिन्यू करते हैं इसको, और तो धीरे धीरे कम्प्लीट हो रही गाइस, सीट वगैरह बन रही तो अच्छा लग रहा है हमको। इसको पूरा कंप्लीट करके फिर आपको बताते हैं। फाइनली गाइज हमने सीट डन कर ली, मतलब जो गाड़ी में कंप्लीट सीट हमको लगानी थी। बहुत ज़्यादा ड्राइंग सीट पे तो हमने इतना काम किया उस पर कि मतलब बहुत ज़्यादा काम किया था, मतलब बार बार कहाँ से कैसे परफेक्ट बन सकती है तो बार बार ट्राई करते रहे उसको बनाते गए। उसके बाद थोड़ा सा वो इस तरह से बन पाई थी ड्राइंग सीट पे। तो गाइज ये हमारे पास था अभी ड्राइंग सीट का, और जो ओल्ड सीट जो हमने गाड़ी में से निकाली और जो ये हमने डिस्कवर का लगाया था लॉक सीट लॉक ये भी रिमूव कर दिया है। तो गाड़ी में हमने फिटिंग कर दी जो नई सीट हमने बनाई थी। तो आप देखिए गाइस कैसे लग रही है आपको, ये इस तरह से कुछ लग रही है।
लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है अभी फ़िलहाल पहले से, क्योंकि पहले जो सीट थी ना, अब इसमें कुशनिंग वगैरह स्टिचिंग वगैरह होगी ना तो बहुत बढ़िया लगेगी। और इसमें जो पीछे से आप देखोगे ना तो बहुत प्यारा लुक आ रहा है, मतलब बेटर लुक आ रहा है गाड़ी में, तो एक ये भी सही लग रही है। उसके बाद हमने इसमें चेन कवर नहीं लगा हुआ था, तो इसके लिए कुछ हम ये जो इसके थ्रेड था ना वो ख़त्म हो गए थे गाइस, तो हमें नए थ्रेड डालने के लिए मैं वो लेके आया था, जो थ्रेड टॉप वगैरह होता ना, जो हैंडल वगैरह जो थ्रेड जिससे थ्रेड डलते हैं वो लेके आया था मैं, तो थ्रेड डाल के हमने इसको कस भी दिया, तो ये भी प्रॉपर कसा गया गाइस अभी। तो अभी चेन कवर भी डल गया है जिससे, क्योंकि थोड़ा बहुत ऑयल निकलता आपको पता होगा गाड़ी में, इसमें राजदूत में तो वो ऑयल भी थोड़ा निकल रहा था, तो वो भी प्रॉपर अब ऑयल ऊपर नहीं आएगा, पहले उड़ के ऊपर आता था। तो गाइस बताइएगा, क्योंकि इंडिकेटर वगैरह का सेटअप कैसा लग रहा है आपको, इंडिकेटर हमने यहाँ से इस तरह से फिट कर दिए हैं, तो ये कैसे लग रहे हैं और सीट कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताइएगा एक बार। जो ऑल वाली सीट तो वो तो हमने निकाल ली है, ये जो थ्रेड टॉप में जो लाया था ना ये बता देता हूँ आपको मैं, ये जो कार्बन के थे स्टील टैप्स, ये थ्रेड टैप्स वगैरह, ये 8 नंबर के लेके आया था मैं, तो 8 नंबर का बोल्ट के लिए, तो ये और ये हैंडल वगैरह लेके आया था उसके लिए, तो इससे हमने थ्रेड डाले थे गाइस, तो थ्रेड डाल के कम्प्लीट कर दिया उसको। अब बस वायरिंग भी कम्प्लीट हो गई है, पीछे के इंडिकेटर वर्क कर रहे हैं, अब इसको हम गाइस नेक्स्ट डे या फिर कभी भी आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑन रोड निकालेंगे इसको, और आपको बताएंगे इसकी रोड प्रेजेंस कैसी क्या है और कैसी क्या चल रही है। तो गाइस मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।